अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक अगेन। अब हमने देखना है कुछ ऑपरेशंस है, की ऑपरेशंस जो पाकिस्तान स्टडीज का पार्ट है, उसको हमने देखना है मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस। आप लोगों ने ये नाम याद रखने हैं, कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता दूंगा कि इनका तो आपको डेट्स पता होने चाहिए। मेजर मिलिट्री ऑपरेशन, पाकिस्तान जब हमारे पास 9/11 अकर हो गया, जब 9/11 का वाक्य पेश आया अमेरिका में, तो इसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट को पाकिस्तान ने डिसाइड किया क्या होना चाहिए, एक्शन अगेंस्ट द मिलिटेंट्स, कि उनके खिलाफ जितने भी हमारे दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना ले लेना चाहिए अब, और फुल फोर्स के साथ। तो उसके बाद जो पहला ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन राहे हक। ऑपरेशन राहे हक था जो कहाँ पे किया गया, सुवात और शांगला में। तो राहे हक कहाँ पे हुआ, सुवात और शांगला में। कब हुआ ये ऑपरेशन, 2007 में। उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन होता है हमारे पास, वो यही उसका नाम होता है, ऑपरेशन राहे हक। लेकिन क्या होता है, टू होता है, वो वन था ये टू है। वो कहाँ पे होता है ऑपरेशन राहे हक टू, वो भी सुवात में होता है, सुवात और शांगला में। कौन सी ईयर को होता है, वो 2008 में। कंटिन्यूस दो दो ऑपरेशन वहां पे अकर हो गए। उसके बाद तीसरा जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सिराटे मुस्तकीम। ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम जो कहाँ पे लड़ा गया था, जितने भी दहशतगर्द थे खैबर एजेंसी में उनके खिलाफ, खैबर एजेंसी में लड़ा गया था। तो उसका जो ईयर है वो 2008 है। तो उसके बाद एक और ऑपरेशन था जिसको फोर नंबर पे हम करेंगे, ऑपरेशन शेर दिल। इसका नाम थोड़ा वो छोटा है, ऑपरेशन शेर दिल। वो इन्होंने किया था बजाओड़ एजेंसी में, जितनी भी एजेंसीज थी ना उनको टारगेट करके, और वहां पे उन्होंने एफसी वालों के साथ मिलकर 2008 में ये भी कंडक्ट किया, ऑपरेशन शेर दिल। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस में हमारे पास अब दोबारा जो है ना, वो दोबारा अब हमारे पास ऑपरेशन राहे हक फ्री होता है। क्या राहे हक थ्री, टू भी स्वात में था, वन भी स्वात में था, ये कहाँ होगा राहे हक थ्री, तो ये भी स्वात में नहीं होगा, स्वात और शांगला में।
और इसकी जो ईयर है वो 2009 में यहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हमारे पास एक और एजेंसी है, उसमें एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा ये कहाँ पे हुआ था? मुमंद एजेंसी में हुआ। ये भी हमारे पास 2009 में हुआ था। तो बेसिकली आपने करना क्या है, पहले तो आपको राय हक का पता होना चाहिए। राय हक को मत भूलिएगा, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। राय हक की दो तीन ऑपरेशन नहीं था आपको याद होने चाहिए। उसके बाद एक और ऑपरेशन है जो सबसे मैं लास्ट में आपको तो करता हूँ, ऑपरेशन ऑपरेशन राहे निजात। ऑपरेशन राहे निजात जो कि हुआ था साउथ वजीरिस्तान में, और कब हुआ था? 2009 में। और अभी जो रिसेंट ऑपरेशन हुआ था, तो जो नाम भी बड़ा फेमस है, ऑपरेशन जरबे अजब। ऑपरेशन जरबे अजब ये कहाँ पे हुआ था? तो ये केपीके में, और फाटा के जितने भी एजेंसीज हैं, साउथ वजीरिस्तान हो गया, और कराची में भी इसके डिप्लॉयमेंट हुई थी आर्मी की, और सिमिलरली बलोचिस्तान में भी। ये ऑल राउंड अक्रॉस द बोर्ड एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन जरबे अजब। और ये कब हुआ था? ये 2014 में। तो ये डेट याद रखें, एक ये वाला, एक राय हक थ्री, एक राय हक टू, और एक राय हक वन, ये आपको सारे याद होने चाहिए, उनकी डेट्स भी याद होने चाहिए, और ये किस बेस पे हुए थे, कहाँ पे हुए थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने आपको मैंने एक चीज पढ़ाई होगी जिसको सीक्वेंस में, तो पहले फॉल ऑफ ढाका आती है, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट आता है। शिमला एग्रीमेंट की जस्ट मैंने आपको डेट बताई थी ना, पहले तो वो एमसीक्यू में डेट पूछते हैं, सिर्फ डेट पूछते हैं ना, मतलब क्या कौन से ईयर में शिमला एग्रीमेंट। लेकिन मैं आपको बेसिक दे देता हूँ, क्योंकि आपका पास्ट स्टडीज का पेपर है, एग्जामिनर का माइंड सेट है वो कोई भी उससे एमसीक्यू उठा सकता है। तो मैं थोड़ा सा उसको दोबारा ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि वो ये असल में चीज़ क्या थी। तो ये है शिमला एग्रीमेंट। सिर्फ ईयर पूछते हैं, पहले पहले उन्होंने ईयर पूछा है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि ये था क्या। पहले तो ये जो एग्रीमेंट था ये किस लिए बना था? तो ये अमन के लिए बना था। ये क्या थी? ये पीस ट्रीटी थी, अमन कायम करने के लिए। और अमन किन के दरमियान? अमन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। इसका नाम इसलिए शिमला पड़ा है कि शिमला जो है ये कैपिटल सिटी है इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश। अब इनके आपको तो ये पता होना चाहिए कि क्या है इनके जो सिग्नेटरीज हैं। तो इंडिया की तरफ से ये मैंने आपको बताया था, शायद इंदिरा गांधी थे, और पाकिस्तान की तरफ से भी थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो होते हैं। ये साइन कब हुआ था? तो 1972 डेट है, बाकी 2 जुलाई, 2 जुलाई 1972 को ये चीज क्या हुई, ये साइन हुई थी। इस चीज में एक जो मेजर जो डेवलपमेंट्स थी, कौन कौन सी चीजें इसमें हुई? पहली बात इसमें ये हुई थी कि ये जो दोनों कंट्रीज है ना, ये जंग नहीं लड़ेगी,
मसला होगा तो ये अमन के साथ बैठे भी डायलॉग करेगी, क्या करेगी, डायलॉग करेगी, टू डायलॉग एंड नेगोशिएशन अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। पहला मैंने आपको बता दिया डायलॉग, उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे सीज फायर का भी इन्होंने वो क्या कि बस यहाँ पे अब जो है ना वो सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई जो है ना फायरिंग की एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास दो उसकी चीजें थी। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको शिमला बड़ा फॉल ऑफ ढाका का बुझड़ा सा फॉल ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की मैंने डेट भी आपको बताई है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉल ऑफ ढाका को जहाँ से जितने भी एमसीक्यू निकलते हैं हम देख लेते हैं ताकि फिर बाद में हमें अंदाजा हो। तो ये 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी इसको बोलते हैं, बांग्लादेश हमसे क्या हुआ था, आजाद हो गया। और इसकी जो डेट है वो कौन सी है, तो वो 16 दिसंबर 1971 को। डाका क्या होता है, डाका फॉल्स और फिर बांग्लादेश बन जाता है। तो हमारे उस टाइम के एके नियाजी के पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने सरेंडर किया इंडियन आर्मी और बांग्लादेश फोर्सेस के सामने, जगजीत सिंह उनके सामने जो उन्होंने वो किया। और ये जो इवेंट है ये विक्ट्री डे मनाया जाता है और नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है बांग्लादेश में, इसको नेशनल हॉलीडे एंड विक्ट्री डे मनाया जाता है। तो उसी हिसाब से फिर ये हुआ कि जब जैसे ही उन्होंने क्या किया, पहले आपको तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी पाकिस्तान की मिलिट्री किसके अगेंस्ट सरेंडर कर दिया, सरेंडर किसके सामने किया था, इसका नाम अब मैं आपको बता दूं, जगजीत सिंह अरोरा। जगजीत सिंह अरोरा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जनेवा अकॉर्ड के तहत ये बोला कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अब सेफ रहेगी और हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो ये उसमें ये था कि उनकी सेफ्टी और वेलबींग, जितनी भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और ये हमारे ऊपर है, हम इनको वापस भेजेंगे और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जनेवा कन्वेंशन उनकी सेफ्टी और उनकी वेलबींग हमारे हाथ में है, हम उनको वापस लौटाएंगे। और यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश में उन्होंने इसको दिन को विक्ट्री डे और नेशनल हॉलीडे भी मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कौन सा जनरल था पाकिस्तान का जिन्होंने सरेंडर किया था, तो मैं जनरल जी एम से लिख रहा हूँ। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी थे जो इन्होंने सरेंडर के ऊपर सरेंडर करके साइन कर दिया। तो इसी तरीके से बांग्लादेश भी आज़ाद हो गया और बाका जो है ना वो फाल हो गया। नेशनल डे मनाया जाता है, विक्ट्री डे मनाया जाता है। तो ये आप लोग ये इवेंट्स करें इंशाल्लाह, बकाया जो क्लास होगी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। और बस कोर्स को जितनी जल्दी हम हो सकें इंशाल्लाह विद इन 2 टू 3 डेज हम इसको एंड कर देंगे। शुक्रिया।